A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में. मैं हूं आपके साथ स्वाति. सतना की मैहर थाना पुलिस ने नकली नोटों की खेप लेकर जा रहे तीन हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. बदमाशों के कब्जे से 1,92,600 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक मैहर थाना पुलिस ने रविवार की रात नेशनल हाईवे पर स्विफ्ट कार नंबर MP20CE 1939 से ले जाई जा रही नकली नोटों की खेप पकड़कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में सौरभ सिंह तोमर, पिता राघवेंद्र सिंह तोमर, उम्र 28 वर्ष, निवासी पोरसा, थाना पोरसा, जिला मुरैना, हाल धर्मवीर पेट्रोल पंप भिंड रोड पुष्कर कॉलोनी, अंकित कुशवाहा, पिता नेतराम कुशवाहा, उम्र 25 वर्ष, निवासी गढ़ापुरा, थाना गढ़ा, जिला जबलपुर, एवं आशीष सिंह राजपूत, पिता महेंद्र सिंह राजपूत, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम झोझी, थाना शाहपुर मिनी, जिला जबलपुर शामिल है. एक आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र पटेल निवासी तिलवारा के पीछे भेड़ाघाट जिला जबलपुर भाग निकलने में कामयाब हो गया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,92,600 रुपए के 100 और 200 रुपए के 1,013 नकली नोट जब्त किए गए हैं. इनके नकली नोटों को ब्लैक कलर की पन्नी में लपेटकर पीले कपड़े में छिपाकर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने सोमवार को बताया कि सब इंस्पेक्टर महेंद्र दुबे को रविवार की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि डार्क ग्रे कलर की कार नंबर MP20CE 1939 में सवार चार युवक नकली नोटों की खेप लेकर जबलपुर की ओर जा रहे हैं. मैहर TI अनिमेश द्विवेदी एवं नादन देहात TI संजय दुबे ने नाकाबंदी की. मैहर रेलवे ओवर ब्रिज के पास कार आती दिखी जिसे पुलिस ने रोका तो बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोक लिया. कार की तलाशी ली गई तो उसमें नकली नोटों की खेप पाई गई. इसी बीच जीतू उर्फ जितेंद्र वहां से भाग निकला जबकि उसके तीन साथी पकड़े गए. उसकी तलाश में पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है. पुलिस इनके जरिए नकली करेंसी का नेटवर्क तलाश कर रही है. पुलिस ने यह भी बताया कि पकड़े गए आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं. आरोपी अंकित कुशवाहा के विरुद्ध जबलपुर में 32 मुकदमे दर्ज हैं जबकि सौरभ तोमर के विरुद्ध जिला मंडला एवं ग्वालियर में 4 अपराध दर्ज हैं. आरोपी अंकित कुशवाहा नागपुर महाराष्ट्र में लूट के मामले में फरार चल रहा है. नकली नोटों की खेप और हिस्ट्री शीटरों को पकड़ने वाली टीम में मैहर TI अनिमेश द्विवेदी, नादन देहात TI संजय दुबे, सब इंस्पेक्टर महेंद्र गौतम, प्रधान आरक्षक राघवेंद्र सिंह, अनिल सिंह, रवींद्र दोहरे, आरक्षक अनूप तिवारी, चालक जय बागरी एवं रवि सिंह चौहान शामिल थे. चलिए सर जी बताएं. दिनांक 10/9/23 को मुखबिरों से सूचना मिली कि हाईवे के रास्ते से नकली नोट की एक खेप मैहर हाईवे से जो है जबलपुर की तरफ बढ़ रही है. इस मुखबिर सूचना को तस्दीक करते हुए तत्काल थाना प्रभारी मैहर अनिमेश द्विवेदी और नादन थाना प्रभारी संजय दुबे को अवगत कराया गया जिन्होंने घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा. आरोपियों के कब्जे से 1,92,000 के नोट जब्त किए गए जो जाली और फेक करेंसी थे. इसमें जो प्रमुख बात सामने आई है वो ये है कि इसमें जो तीन बदमाश पकड़े गए हैं और एक जो फरार हो गया है, तीनों बदमाश हिस्ट्री सीटर हैं. सौरभ तोमर जो कि ग्वालियर का रहने वाला है, इसके खिलाफ एक लूट का मुकदमा मंडला में दर्ज हुआ था जिसमें इसने सुनार को गोली मार के पैसे लूटे थे. इसके अलावा थाटीपुर और यूनिवर्सिटी में भी इसके खिलाफ मामला दर्ज है. इसके अलावा अंकित पटेल उर्फ बड्डू पटेल जो कि जबलपुर का गढ़ापुरवा का रहने वाला है, इसके खिलाफ जबलपुर में संजीवनी नगर थाने में लगभग 32 से लेकर 33 अपराध पंजीबद्ध हैं. इन सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर PR पर लिया है और इनके स्रोत की जानकारी पता लगाई जा रही है. आगे जो तथ्य सामने आएंगे उन्हें रखा जाएगा. थैंक यू सर. अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय ProSkill Hub. गेट योर ड्रीम जॉब. एड्रेस: ग्राउंड फ्लोर, जॉन टावर, College Chauraha, Rewa.